से ना हो पाएगा। सब गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त यानी कि आपका अपना जीजे कबीर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं भाई लोग गुजरात गेमर्स की एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो नए नए आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का मुकाबला भाई साहब बहुत ही गंभीर होने वाला है। एक साइड होने वाली है टीम गुजरात और एक साइड होने वाली है टीम असम। तो भाई लोग ये मुकाबला इतना ज्यादा टफ था कि आप लोग खुद नहीं समझ सकते हो यार। भाई साहब एक तरफ अगर मैं कह नहीं सकता बट यार लिटरली एक तरफ यार असम की यानी कि हमारे हेटर्स थे भाई साहब। उन्होंने यार पहले भी बहुत बार कमेंट किया है कि आओ यार कस्टम खेलते हैं और तुम लोग हारो तो यार वीडियो डालना या फिर जीतो तो भी वीडियो डालना। तो आज अपने लोग ये मुकाबला लेकर आ गए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा चर्बी थी बंदों को बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने टीम गुजरात वाले हमेशा रेडी रहते कस्टम के लिए। तो पहला यहाँ पर मुकाबला आ चुका है, जीजे प्रिंसू को यहाँ पर स्टार्टिंग में ही नॉक निकाल लिया गया है। तो कौन सी टीम आज बाजी मारकर लेकर जाने वाली, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या आज यहाँ पर पहली बार टीम गुजरात की इज्जत बदनाम होने वाली है या फिर टीम गुजरात अपनी इज्जत उसी तरीके से यार खेलेगी। तो बात की जाए तो टीम गुजरात की तरफ से यहाँ पर हमको खेलते हुए नजर आएंगी जीजे कबीर, जीजे टॉक्सिक, जीजे प्रिंसू और जीजे रॉनी। और बात की जाए टीम असम की तो एचडी फ्लैश, एचडी क्लॉसिक और हमारे बिजॉय डबल एफ भाई और मयंक है। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये वाला मुकाबला। जिन लोगों को नहीं पता भाई कौशिक जो हमारे हैं वो 4 स्टार जा चुके, 77 लेवल है भाई का, बहुत ही ओपी गेम प्ले। बट देखते हैं क्या यहाँ पर टीम गुजरात को चकमा दे पाएंगे या फिर नहीं। तो फालतू की बात बहुत हो गई, अभी अपने यार मैच पर आते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्सेस 2 पहला मुकाबला होने वाला है, रॉनी को यहाँ पर नॉक निकाल लिया गया। तो क्या यहाँ पर एडवांटेज सामने वाली टीम को मिलेगा या फिर नहीं, यहाँ पर क्या लगता है टॉक्सिक मर जाएंगे या फिर अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। 1 वर्सेस 2 ये सिचुएशन होने वाली है और यहाँ पर टॉक्सिक अंदर घुस चुके हैं लेकिन यहाँ पर वॉल लगाया हुआ है। यहाँ पर पीछे से रश करते हुए नजर आएंगे कौशिक और हमारे यहाँ पर बचे हुए मयंक के। तो देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्या ये सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे टॉक्सिक या फिर नहीं। जी नहीं, यहाँ पर जीजे टॉक्सिक को नॉक निकाल कर मतलब खत्म करके पूरी तरीके से पहला राउंड अपने नाम कर लिया भाई साहब। टीम असम 1-0 से लीड करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर दूसरा मुकाबला आ चुका है भाई साहब, केप टाउन का ये मुकाबला होने वाला है। जीजे प्रिंसू यहाँ पर आगे से रश करते हुए हमको नजर आने वाले। ओ भाई साहब यहाँ पर जीजे रॉनी को यहाँ पर फिर से एक बार नॉक निकाल लिया गया है। जीजे प्रिंसू भी यहाँ पर नॉक हो चुके थे, 2 प्लेयर यहाँ पर टीम गुजरात के नॉक हो चुके हैं। तो ये मुकाबले में भाई साहब थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है टीम गुजरात की तरफ से, लेकिन नरमी कब गर्मी में बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो देख सकते हो आज यहाँ पर टॉक्सिक मूड में हमको नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर टॉक्सिक अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, एक बंदे को नॉक निकाल लिया गया। जीजे कबीर भी उधर बचे हुए, ओ भाई साहब यहाँ पर टॉक्सिक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जीजे कबीर को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर आज जीजे कबीर के भी हाथ थोड़े से नरम दिखाई दे रहे हैं बट गर्म होने में किसी को भी टाइम नहीं लगने वाला मुझे ऐसा फील आ रहा है। बट यार आज क्या यहाँ पर टीम गुजरात की इज्जत जाने वाली है, हेटर्स वर्सेस टीम गुजरात होने वाला है अगर एक टाइप से बोला जाए। तो तीसरा मुकाबला आ चुका है, क्लॉक टावर का ये मुकाबला होने वाला है और सारे बंदे काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी से हमको खेलते हुए नजर आने वाले भाई लोग ये वाले मुकाबले में। जीजे प्रिंसू ने कौशिक को यहाँ पर नॉक निकाल लिया गया है जो टीम असम के कैप्टन है, 4 स्टार प्लेयर 77 लेवल है। तो कौशिक को सबसे पहले यहाँ पर नॉक निकाल लिया गया है। जीजे कबीर यहाँ पर पीछे से हमको खेलते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर जीजे रॉनी कवर देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर क्या लगता है क्या होने वाला है, थॉम्सन का यूज करे हमारे जीजे रॉनी, प्रिंसू यहाँ पर मुझे लगता है नॉक होने वाले। टॉक्सिक ने किल निकाल लिया, प्रिंसू को नॉक निकाल लिया गया है। तो 4 वर्सेस 2 ये मुकाबला, सॉरी गाइस 3 वर्सेस 2 ये मुकाबला होने वाला है। जीजे कबीर ने भी यहाँ पर एक नॉक निकाली है। तो ये मुकाबला धीरे धीरे यार ये वाला जो राउंड है टीम गुजरात की तरफ हमको बढ़ते हुए नजर आएगा। तो जिन लोगों को यार इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और जिस हेटर्स को भाई नीचे डिसलाइक पेलना है आराम से पेल कर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली एक से पहला अपना मुकाबला जीती हुई टीम गुजरात की, तो फाइनली यहाँ पर मजा आने वाला है। अब यहाँ से क्या कमबैक कर पाएगी या फिर नहीं, स्टार्टिंग यहाँ पर काफी अच्छी देखने मिली हमको टीम असम की तरफ से। और बात की जाए तो दोनों ही टीमों के 8 की 8 प्लेयर बेस्ट प्लेयर्स है क्लैश स्क्वाड के। तो टॉक्सिक को यहाँ पर डैमेज दिया गया, टॉक्सिक को मयंक ने यहाँ पर नॉक निकाली है, 2 बंदे यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। प्रिंसू और टॉक्सिक की क्या ये गलती भारी पड़ने वाली है टीम गुजरात को। जीजे कबीर और जीजे रॉनी यहाँ पर हमको बचे हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या जीजे रॉनी यहाँ से कमबैक करा पाएंगे या फिर नहीं, मजा आने वाली काफी ज्यादा। ओ भाई साहब यहाँ पर रॉनी को चारों तरफ से पड़ते हुए नजर आ रही है,
ओहो, यहाँ पर जीजे कबीर को भी नॉक निकाला गया है, तो एक ही बंदे बचे हुए, सिर्फ और सिर्फ जीजे रोनी यहाँ पर हमको बचे हुए नजर आने वाले हैं। तो क्या लगता है यहाँ पर जीजे रोनी एक को भी मार पाएंगे या फिर नहीं, क्या है सिचुएशन हैंडल करना बहुत ही टफ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर फ्लैश ने रोनी को खत्म करके आ रही है मुकाबला, ये राउंड पूरा खत्म कर दिया है। तो 3-1 से लीड करते हुए नजर आ रही हमको टीम असम टीम गुजरात के सामने। तो भाई लोग यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर पांचवा राउंड आ चुका है, कॉटी विस्टा का ये मुकाबला होने वाला है। क्या यहाँ से टीम गुजरात कमबैक कर पाएगी या फिर नहीं, काफी बड़ा सवाल रहने वाला है। क्या यहाँ से टॉक्सिक प्रिंसु कबीर और रोनी वापसी करा पाएंगे टीम गुजरात की या फिर नहीं, बड़ा सवाल होने वाला है। मुकाबले को एंड तक जरूर से देखना। जी टॉक्सिक को यहाँ पर डैमेज दिया गया है, लेकिन टॉक्सिक ने एक बंदे का बहुत ही घातक तरीके से हेड फोड़ा गया है। टॉक्सिक पे दो बंदे ने यहाँ पर रश किया है, क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या लगता है कबीर को नॉक निकाल पाएंगे? टॉक्सिक यहाँ पर नॉक हो चुके हैं और रोनी यहाँ पर यूएमपी का यूज करे, रोनी के सामने एक बंदा यहाँ पर होने वाला है। तो क्या लगता है ये इनो मार पाएंगे या फिर नहीं? जी नहीं, यहाँ पर रोनी भी नॉक हो चुके, तो जीजे प्रिंसू और जीजे कबीर सिर्फ और सिर्फ बचे हुए, तो जीजे कबीर की भी लाइफ काफी ज्यादा खत्म है। जीजे प्रिंसू को भी नॉक निकाल लिया गया है, तो टीम असम आज काफी ज्यादा फॉर्म में हमको नजर आ रही है। आज लगता है भाई साहब टीम गुजरात के सामने टीम असम भारी पड़ने वाली है, लेकिन टीम गुजरात भी उन टीमों में से नहीं जो चार राउंड हार के यार हार मान जाए। टीम गुजरात वो टीम है जो 6-1 होने के बाद भी कम बैक कर सकती, तो मुकाबले को जरूर से एंड तक देखना। ऐसे ही नहीं, इनको गेम चेंजर्स का टैग दिया गया है, तो जरूर से एंड तक देखना क्या यहाँ पर टीम गुजरात कम बैक कर पाएगी या फिर नहीं। छठा मुकाबला होने वाला है, मिल का ये राउंड है। जीजे रोनी और जीजे प्रिंसु टॉक्सिक ने यहाँ पर तीनों जने रश कर दिया है, तो जीजे रोनी यहाँ पर M187 का यूज करते हुए, जीजे टॉक्सिक ने यहाँ पर एक और नॉक निकाली है, तो टॉक्सिक का एक और यहाँ पर किल आ चुका है। ओ भाई साहब, यहाँ पर टीम गुजरात की कबीर को नॉक निकाल दिया गया है, तो देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, पहले कौन सी टीम यहाँ पर जीत निकाल पाएगी। ओ यार शिट, यहाँ पर रोनी भाई को भी नॉक निकाल लिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक और प्रिंसु बचे हुए, तो क्या ये दोनों सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे या फिर नहीं, काफी बड़ा सवाल होने वाला है। बात की जाए जीजे प्रिंसु की, तो थोड़ी सी लाइफ इनकी कम है, लेकिन सिचुएशन हैंडल करने में ये माहिर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो इनसे हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि ये कमबैक कर सकते हैं यार। तो 2-2 ये फाइट होने वाला है भाई लोग, काफी सही है मुकाबला होने वाला है, देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एक बंदे ने यहाँ पर रस किया है, कौन होने वाला है देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कौशिक और फ्रेश यहाँ पर बचे हुए हमको नजर आने वाले भाई लोग, तो देखते। ओ माय गॉड, यहाँ पर टॉक्सिक को पीछे से मार दिया गया है। ओ भाई साहब, काफी सही तरीके से दिमाग लगाया है, और यहाँ पर प्रिंसू ने काफी सही तरीके से M187 का यूज किया, डैमेज दिया है। सिचुएशन काफी ज्यादा यार टफ होने वाली है। ओ भाई साहब यार, क्या ही मुकाबला चल रहा है यार ये। यहाँ पर जीजे प्रिंसू हमको हील करते हुए नजर आ रहे पूरी तरीके से पैक करके, और जीजे प्रिंसू यहाँ पर कूदे, उनके साथ कौशिक भी नीचे कूदे, और कौशिक ने जीजे प्रिंसू को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो 5-1 से ये टीम लीड करती हुई, और अगर अब यहाँ पर टीम गुजरात ने कमबैक नहीं किया तो भाई साहब भारी पड़ सकता है टीम गुजरात को ये मुकाबला, इज्जत जा सकती है भाई साहब, इज्जत की ये बात है। तो क्या टीम गुजरात द गेम चेंजर्स द राइजिंग प्लेयर्स क्या यहाँ से वापसी कर पाएंगे या फिर नहीं, काफी बड़ा सवाल रहने वाला है। मुकाबले को एंड तक जरूर से देखना भाई लोग यार। 7वां मुकाबला आ चुका है, ऑब्जर्वेटरी का ये मुकाबला होने वाला है। बात की जाए तो रोनी ने सबसे पहले यहाँ पर टीम के कैप्टन यानी कौशिक 4-77 लेवल वाले को मार दिया है। तो भाई साहब काफी सही तरीके से यहाँ पर खेलते हुए हमको नजर आने वाले भाई लोग, ये सारे के सारे बंदे। यहाँ पर एक और बंदे को लगता है जीजे कबीर या फिर जीजे टॉक्सिक ने नॉक निकाली है, तो देखते हैं भाई लोग क्या होने वाला है क्या नहीं। भाई साहब यहाँ पर दो गोली मारा है, लेकिन फिर भी वो बंदा मारा नहीं सामने वाला, तो मयंक ने यहाँ पर कबीर को यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मयंक बचे हुए। तो क्या ये मुकाबला? जी हाँ, मुकाबला खत्म हो चुका है। तो फाइनली बहुत देर बाद यहाँ पर टीम गुजरात एक और राउंड जीत चुकी है, तो देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्या टीम गुजरात यहाँ से कम बैक कर पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पर फैक्ट्री का राउंड आ चुका है, यह 8वां मुकाबला होने वाला है भाई लोग। यार आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जीजे कबीर यार बेस्ट कवर फायर में से एक है, तो इन्होंने एक किल निकाली है यहाँ पर काफी सही तरीके से, वन ऑफ द मेन राउंड से यार ये सब, तो इन सब में इनको दिमाग से खेलना पड़ेगा यार। लेकिन अगर एक भी राउंड सामने वाली टीम जीत जाती है तो टीम गुजरात को यार भारी पड़ सकता है, बट टीम गुजरात भी काफी होशियार टीम है। तो यहाँ पर जीजे कबीर ने काफी सही तरह से हेड मारा है, और रोनी ने यहाँ पर रश करने की सोची है, प्रिंसू को नॉक निकाल लिया गया है। तो 2-4 ये सिचुएशन, सॉरी गाइस 3-4 ये सिचुएशन होने वाली है, तो देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्या कौशिक मयंक यहाँ पर इन्हें खत्म कर पाएंगे या फिर नहीं, काफी बड़ा सवाल होने वाला है। क्या यहाँ पर रोनी यहाँ पर मयंक को मार पाएंगे, देखते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पर रोनी पे रश किया गया है, यहाँ पर बंदे को यार ऐसा लग रहा है डैमेज बहुत दे रहे, लेकिन बंदा मर नहीं रहा है, तो ये चीज थोड़ी सी अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर टीम गुजरात ने इसी के साथ एक और मैच जीतकर ये मुकाबले को 5-3 पर
लाया है, तो देखने में मजा आने वाली है। आगे तक ये मुकाबला देखते जाओ यार, क्या होने वाला है क्या नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पता चल रहा है यार। कमेंट करके जरूर बता देना यार ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। टीम असम भाई सब सारे के सारे असम, और यहाँ पर टीम गुजरात की टीम होने वाली है, तो टीम असम बनाम टीम गुजरात काफी सही मुकाबला चल रहा है। नया नया वॉल लगा कर यहाँ पर हमारे टूथपेस्ट में नमक है। ओ भाई साहब क्या ही, यहाँ पर टॉक्सिक भाई को नॉक निकाल लिया गया है, और यहाँ पर रोनी ने भी एक बंदे को नॉक निकाल दिया है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। लेकिन बात की जाए टीम गुजरात के, दो बंदे यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, टॉक्सिक और प्रिंसु को पूरी तरीके से डेथ कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ कबीर और रोनी बचे हुए हैं। तो देखने में मजा आने वाली, क्या ये लोग इनको मार पाएंगे या फिर नहीं। कबीर को भी यहाँ पर नॉक निकाल लिया गया, सिर्फ और सिर्फ जीजे रोनी बचे हुए, तो देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं। ओ भाई साहब यहाँ पर रोनी की काफी ज्यादा खत्म लाइफ है, लेकिन यहाँ पर जीजे कबीर ने उठते ही थोड़ी सी लाइफ है बंदे को खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे ही नहीं टीम गुजरात को यार द बेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम गुजरात कहा जाता है भाई साहब। कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो टीम गुजरात सबसे ऊपर आती है यार, अगर हम लोग सच में कहे तो यार। तो अगर आप लोगों को भी यार हमारे साथ ऐसे ही 2 vs 2, 4 vs 4, 1 vs 1, या फिर आपको हमारे गिल्ड में आना है तो जल्दी से जाकर कॉन्टेक्ट करो। पीछे से यहाँ पर रोनी ने रश किया है, और बात की जाए तो 10वां मुकाबला ये हो चुका हो आ गया है, और मार्च इलेक्ट्रिसिटी का ये मुकाबला होने वाला है। रोनी यहाँ पर जोन में जाकर खुद को डैमेज देते हुए, ओ यहाँ पर फिर से कैप्टन को यहाँ पर नॉक निकाल लिया गया। जीजे टॉक्सिक यहाँ पर काफी ज्यादा घातक तरीके से हमको खेलते हुए नजर आने वाले हैं भाई लोग आज के दिन पे। तो टॉक्सिक ने वापसी कर लिए, तो टीम गुजरात के लिए बहुत ही अच्छे संकेत है, और जो उनके दुश्मन है भाई साहब उनके लिए बहुत ही बुरे संकेत है भाई साहब। जीजे प्रिंसु इन द चैट काफी ज्यादा घातक तरीके से, वो भाई साहब यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लगा इन्होंने इमोट दिखाया, तो क्या इमोट का बदला सामने टीम ले पाएगी या फिर नहीं। तो 4-5 पे मुकाबला लाकर खड़ा कर दिया है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मयंक यहाँ पर बचे हुए हमको नजर आने वाले हैं। तो देखते हैं भाई लोग क्या होने वाला है। जीजे कबीर यहाँ पर किल लेने के लिए पीछे से आ चुके, एक बंदा और नॉक हो चुका है टीम गुजरात का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई साहब, झुंड बन चुके हैं सारे के सारे बंदे, लेकिन यहाँ पर जीजे रोनी ने आखिरी बंदे को मार कर ये मुकाबला 5-5 पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये मुकाबला यार अब देख सो यार, ऐसे ही टीम गुजरात को नहीं टैग दिया जाता है गेम चेंजर्स का, ये लिटरली में भाई सब गेम चेंज कर देती है। और बता दूं भाई लोग इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कम मोमेंट्स दिखाई देंगे, बिकॉज यार ये टीम दोनों ही टीम सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए खेली भाई लोग। आप लोग देख सकते हो यार किस तरीके से नुबड़े लोग में साले ने चीटिंग कर ली है, आप लोग खुद देख सकते हो यार। प्लीज भाई सीख जाओ, अगर असम वाले ये वीडियो देख रहे हो भाई लोग चीटिंग मत किया करो ब्रदर यार, थोड़ा सा खेलना सीख जाओ। लेकिन जीजे कबीर होशियार ने यहाँ पर एक किल निकाली है। ओ भाई साहब यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाली, टीम गुजरात के द बेस्ट वुमेन प्लेयर जीजे रोनी ने एक नॉक निकाल लिया है। यहाँ पर क्या लगता है कौशिक को नॉक निकाल पाएंगे या फिर नहीं, कितना भी चीटिंग कर ले यार चीटिंग करने वाले कभी भी जीत नहीं पाते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर एक ही बंदे पे सारे जन चढ़ गए, जोन यहाँ पर पूरा छोटा होता हुआ, ओ यहाँ पर कौशिक को मार के ये मुकाबला खत्म किया है, और 6-5 यहाँ पर ये मुकाबला आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से गेम पूरा का पूरा पलट दिया भाई साहब, 1-5 था मुकाबला और 6-5 पर लाकर खड़ा कर दिया है। लगातार 5 मुकाबला जीतना सिर्फ और सिर्फ टीम गुजरात कर सकती है। तो अब यहाँ से अगर टीम गुजरात ये राउंड जीत जाती है तो ये यहाँ पर होंगे हमारे विनर, और अगर ये हिटर्स की टीम, भाई लोग मैं हिटर ही कहूँगा, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगती है, अगर हिटर्स यहाँ से जीत जाते तो ये मुकाबला और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कौशिक को सबसे पहले नॉक निकाल लिया गया है भाई लोग, जीजे कबीर यहाँ पर अकेले लड़ते हुए नजर आने वाले, नीचे टॉक्सिक को यहाँ पर हिल दे दिया गया है, काफी सही तरीके से कोऑर्डिनेशन हमको नजर आ रहे हैं। तीनों के तीनों बंदे ने अकेले ही यहाँ पर रश करने की सोची हुई है, और नीचे की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ कबीर अकेले बचे, तो कबीर को यहाँ पर नॉक निकाल लिया गया है। देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है, तो क्या इन्हें खत्म कर पाएंगे या फिर नहीं। जीजे टॉक्सिक और जीजे प्रिंसु क्या लगता है ये मुकाबले को खत्म करेंगे या फिर नहीं। इसी के साथ टीम गुजरात द गेम चेंजर्स भाई साहब, इसी के साथ ये मुकाबला जीते हुए हमको नजर आने वाली है। तो 5-7 से ये मुकाबला टीम गुजरात ने हेटर्स को हरा दिया है। तो अगर इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो आप लोग बोलो, हम लोग आपको नहीं देंगे, बिकॉज ऐसे नुबड़ों के साथ भाई लिटरली में हम लोग कभी नहीं खेलते भाई साहब। आप लोगों ने देखा यार कैसे जोन पैक कर लिया, और आगे की कहानी भी अभी हम लोग आप लोगों को बताते हैं। बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, उसके पहले आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, मैं भूल रहा हूँ। टॉक्सिक यहाँ पर आज मूड में नजर आए हो भाई, टॉक्सिक के 11 किल, टीम गुजरात के MVP हमको नजर आ रहे हैं। बात की जाए जीजे कबीर के 5 किल, प्रिंसु के 5 किल, और रोहनी के यहाँ पर 10 किल, तो काफी सही कोऑर्डिनेशन के साथ। सामने की वाली टीम की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मयंक के यहाँ पर 10 किल थे, और कौशिक और एक और भाई थे उनके 7 किल थे, तो काफी सही है मुकाबला चला। और बस यही कहना चाहता हूँ सामने वाली टीम को कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के बोला कर, किसी को भी हेट नहीं फैलाते अपने,
बट यार जो रिस्पेक्ट देता है उसको रिस्पेक्ट देते, जो रिस्पेक्ट नहीं देता उसको रिस्पेक्ट कभी भी 0% भी हमारी तरफ से नहीं मिलता। तो मुकाबला अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई लोग तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो के बाद मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छे अच्छे कॉमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।